बहुत बहुत उल्लसित, बहुत उत्साहित, एक अनुभवी विधायक। अभी हमारा उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बना है। आदिवासी जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, महिला के लिए, सबके लिए काम करेंगे, इस उम्मीद कर रहा हूँ। एवं जितना सब दुर्नीति हुआ उड़ीसा सरकार में, ये सब उगाड़ कर पब्लिक को लाएंगे। जितना सब प्रॉब्लम है चाषी भाई के लिए, युवा वर्ग के लिए, सब काम करेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो पहली बार दो तो डेप्यूटी सीएम दिया गया 25 साल के बाद, कोई डेप्यूटी सीएम नहीं थे, कितना मददगार होगा, कौन कौन हुए? ये पूरा बैलेंस है। राजा साहब हमारा वेस्टर्न ओडिशा को रिप्रेजेंट करता है, माननीय क्रेबी सिंह देव जी। ईस्टर्न ओडिशा में प्रभाती परिडा अपा जे की महिला का रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत अच्छा है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो बताइए कितना सोच रहे हैं मोदी जी, जो गारंटी दिए थे 5 साल के अंदर में मोदी, तो ये कितना मोदी जी जो गारंटी दिए थे, अभी विकास होगा, महिला का विकास होगा, पश्चिम ओडिशा का विकास होगा, एवं जनजाति का, अनुसूचित जाति का, सबका विकास होगा। ओडिशा एक डेवलप्ड स्टेट हो जाएंगे जरूर। सभी वर्ग को इसमें देखा गया, महिला वर्ग को रखा गया, आदिवासी को रखा गया, जनरल वर्ग को रखा गया, सभी को खुश करने के लिए सब वर्ग का रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मोदी जी सबके साथ सबका विकास देखता हूँ। अभी ओडिशा का विकास होगा, ओडिशा एक डेवलप्ड स्टेट बनेगा, जरूर बनेगा। जितना सब दुर्नीति हटेगा, जितना सब विकास चलेगा आगे।